डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को सुमति भार्गव द्वारा लिखी गई मनुस्मृति का दहन कर इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम एवं महिलाओं के लिए हक और अधिकार के पाने के रास्ते खोल दिए। इसी दिन के उपलक्ष में गुजरात राज्य के धांगध्रा शहर में बहुजन सांस्कृतिक परिवार एवं संस्कार ग्राम एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति दहन दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस धांगध्रा में 9 वागे केटलाक बाळको मनुस्मृति नु दहन करशे अने एमांथी समग्र जगत प्रेरणा मेळवशे। धांगध्रा शहर में पहला ऐसा कार्यक्रम रहा जिस कार्यक्रम में महिलाएं एवं बच्चों की संख्या बड़ी तादाद में रही। मनुस्मृति दहन नो कार्यक्रम थशे, एमां बाळको नाटक भजवशे, तदुपरांत बाल नाटिका तेमज बाबा साहेबना गीतों वगैरह नृत्य करशे, नानो संदेशो गामे गाम पहोंचाडशे અને સમાજની અંદર જે અસમાનતા છે સ્ત્રી અને પુરુષ એના વચ્ચેનો ભેદ પણ ત્યાં આગળ ખુલ્લો થશે। संगीत एवं नाटक के जरिए सुमति भार्गव के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति के द्वारा इस देश के लोगों को कैसे मानसिक गुलाम बनाया गया है उसकी जानकारी दी गई और मनु ने लिखी मानवता के खिलाफ इस ग्रंथ को जलाया गया। मैं बिपिन सोलंकी, गुजरात राज्य के धांगध्रा शहर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।